नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनाप्योर टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इनाप्योर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इनाप्योर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इनाप्योर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इनाप्योर एक ब्रांड नेम है। इनाप्योर टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन इवाब्रेडिन 5 mg होता है। इनाप्योर टैबलेट का उपयोग एंजाइना और हार्ट फेलियर होने पर किया जाता है। एंजाइना होने पर दिल तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होने लगता है, और हार्ट फेलियर होने पर दिल ब्लड को अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी होना, दिल की धड़कन तेज होना और पैरों में सूजन होना आदि लक्षण हार्ट फेलियर होने पर हो सकते हैं। टैकीकार्डिया होने पर भी डॉक्टर इनाप्योर टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। टैकीकार्डिया होने पर दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इनाप्योर टैबलेट दिल की धड़कन को धीमा करती है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छी तरह से काम कर पाता है, और इनाप्योर टैबलेट हार्ट फेलियर की समस्या को ज्यादा गंभीर होने से रोकती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इनाप्योर टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इनाप्योर टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा कम होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, शरीर में थकान होना, आँखों में धुंधलापन होना, दिल की धड़कन अनियमित होना और ब्लड प्रेशर कम होना आदि साइड इफेक्ट्स इनाप्योर टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनाप्योर टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इनाप्योर टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर इनाप्योर 5 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। इनाप्योर टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको इनाप्योर टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनाप्योर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इनाप्योर टैबलेट को लेते समय दिल की धड़कन को मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि इनाप्योर टैबलेट की वजह से दिल की धड़कन बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर कम होने पर, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा कम होने पर, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉकेज होने पर और लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर इनाप्योर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इनाप्योर टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। इनाप्योर टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में इनाप्योर टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इनाप्योर टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका इनाप्योर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।